असलम कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और आज ना कुछ लेजी सा दिन था पता नहीं तो मेरा भी आज दिल नहीं कर रहा था कि कोई ना नाश्ते में स्पेशल सी चीज बनाऊं तो इसलिए मैं ना सोचा कि चलो आज ना ऐसे ही कर लेते हैं नाश्ता हल्का फुल्का सा ही हो जाएगा खैर हल्का फुल्का तो नहीं ये भी काफी हैवी वाला ही हो जाता है ये ना लाके रखा हुआ था ऑलमंड बटर तो मैंने कहा आज ना इसको ट्राई करते हैं रोहान को मैंने एक ब्रेड के स्लाइस पे ऑलमंड बटर और थोड़ा सा वो बिस्कोफ लगा दिया था और दूसरे पे मैं यहाँ पे क्रीम चीज लगा दूंगी उसको तो उसका नाश्ता हो जाएगा और मैं खुद भी अपने लिए एक टोस्ट लिया है मैंने उसके ऊपर एक साइड पे लगा लिया है चॉकलेट का स्प्रेड और दूसरी साइड पे वही आलमंड मैंने साथ में एक एग ले लूंगी और चाय ले लूंगी शुगर फ्री तो बस ये मेरा नाश्ता हो जाएगा कभी कभी ना खुद को ऐसे इजी फील भी करवाना चाहिए ये नहीं कि हर टाइम पराठे और रोटियां और बड़े बड़े नाश्ते ही बनाते रहे कभी तो कभी चिल भी मारना चाहिए तो खैर मुझे ना मैरिनेशन करनी थी तो मैंने कहा पहले ये काम खत्म कर लेती हूँ चिकन एक लिया है मैंने उसमें नमक डाला है मिर्च पाउडर और थोड़ी सी पेपरिका ऐड किया है और थोड़ी सी फिर मैंने ना तिक्का मसाला ऐड किया है हल्दी ऐड कर दी इसके अंदर और ये जीरा पाउडर और ना धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है इसके अंदर और वन टीस्पून ही मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है अभी मैं ना काफी सारा इसके अंदर लेमन जूस जो है वो स्क्वीज करके डाल दूंगी फ्रेश वाला तो नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा ये सॉरी दही जाएगा इसके अंदर मतलब पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर और चिकन जो है ना उसको भी वॉश करके थोड़ी देर छलनी में डाल के रख लेना तो सही रह जाता है वरना फिर ना दही के साथ वो बहुत ज्यादा पानी छोड़ देता है तो थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके अंदर डाल दिया अभी ना ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर दूंगी इसके ना इनग्रीडियंट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आज ना हमारा प्लान था ग्रोसरी वगैरह करने का और काफी दिन हो गए हुए थे ग्रोसरी नहीं की थी हमने करो इधर मुंह करो हाँ जी कहाँ जा रहे हो शॉपिंग करने और और क्या लेना है आपने वहां से लूलू जा रहे हो अच्छा क्या लेना है आपने वहां से हुँ? क्या लेना है व्हाट यू वांट टू बाय क्या क्या लेना है आपने शॉपिंग में क्या लेना है कैंडी लेनी है ओहो वाह भाई वाह चलो ठीक है यमी कैंडी लेनी चलो ठीक है ओके लेट्स गो Let's go. तो इसलिए फिर हम लोग ना जल्दी ही निकल पड़े थे आज घर से ग्रोसरी करने के लिए क्योंकि रात के टाइम जब हम जाते हैं ना लाव काफी लेट नाइट वापसी होती है तो रोहान की नींद डिस्टर्ब होती है बहुत तंग करता है फिर तो इसलिए टाइम से ही हम लोग ना निकल गए थे वैसे भी जुमे का दिन था और भाई ने भी आज आना था तो और भी इस तरह के ना कुछ काम थे करने वाले तो हमने कहा ये काम जो है ना वो जल्दी से खत्म कर लेते हैं ताकि क्योंकि घर आके भी फिर ग्रोसरी मेटने वाली होती है उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो किसी और काम से हम लोग ऊपर आए थे कुछ सर्च कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में तो हस्बैंड बोल रहे चलो यहाँ से ना चाय पीते हैं इनकी चाय अच्छी होती है तो ये देखिए ये रुहान के एक्शन नए नए एक्शन सीखते हैं बच्चे जो इस एज में होते हैं ना चाय हमारी आ गई थी और साथ में ना हस्बैंड ने कुछ स्नैक्स वगैरह भी ऑर्डर कर लिए थे उनको शायद भूख फील हो रही थी क्योंकि ब्रेड का ही नाश्ता किया हुआ था और मैं समझी थी शायद ये ना कुछ स्पेशल किस्म की चीज है कि जो किसी चीज में ना ऐसे रैप करके रखी हुई है जैसे कि एक मिलती है पराठा मिलता है अरेबिक पराठा उसको कहते हैं सऊदीया में हम लोगों ने खाया था लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल सी चीज ही थी मतलब जो जो होती है ना उसकी पट्टी समोसे ही उस तरह से मैदे की बनी हुई थी अंदर स्टफिंग मजे की थी एग लगाया हुआ था उन्होंने बॉयल किया हुआ और साथ में ना प्याज और कुछ इस तरह की ना स्टफिंग की हुई थी अच्छा स्नैक था लेकिन मेरा दिल नहीं होता कि मैं ना फ्राई फूड इस तरह से खाऊं आउटसाइड तो बिल्कुल नहीं दिल मेरा करता कुछ ये कि इनका ये जो इंडियन है ना इनका थोड़ा स्पाइसी साइड का होता है हम लोग इतनी स्पाइसीनेस खाते नहीं है बस उसके बाद फिर हम लोग ग्रोसरी वाले एरिया में आ गए और जो चीजें हमारी लेने वाली थी वो हम लोगों ने ली और यहाँ पे का रोना दोबारा से स्टार्ट हो गया हुआ था वापसी पे फिर उसका बस थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए हमने कहा चलो थोड़े से तुम झूले ले लो हस्बैंड बाहर चीजें वगैरह गाड़ी में रख रहे थे यहाँ पे पहुंच गए थे हम लोग घर और ये देखे ज्यादा दिनों के बाद ग्रोसरी करें ना तो फिर इस तरह से ही होता है और मैं इसको देख के कह रही थी ये सारी चीजें मैंने समेटनी और रखनी ही कहा है मैंने इतनी ज्यादा चले खैर एक्चुअली ना हमें थोड़ी बहुत चीजें हम यहाँ से ही ले लेते ले थे अपने इर्द गिर्द से ऐसे ना जो होल ग्रोसरी लेके आते हैं ना वो काफी दिनों के बाद की और चीजें भी काफी ज्यादा खत्म हो रही थी तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके ना शुरू करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रखनी तो हो ही जाएंगी होगी माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे ऐसे ना कठी चीज़ें लेके रखने में बरकत भी काफ़ी रहती है और ये होता है कि सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाना है बस चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं उसी से फिर कभी दाल बना ली कभी चावल बना लिए और कभी मीट आइटम्स में बना लिया तो बस कुछ मेरे प्लान्स थे वो चीजें ना उस हिसाब से मैं फिर लेके आई थी ये शिमला मिर्च वगैरह दो कलर की लाई थी मेरे ना कबाब वगैरह बना के रख रहे थे काफी टाइम हो गया मेरे ना शामी कबाब भी खत्म हो रहे हैं तो इसी तरह से कुछ और भी मेरे ना प्लान है इनशाला नेक्स्ट आने वाले वीलॉग्स में आप हाँ लोगों को नजर आएगा कि क्या क्या मैंने किया और ये सब्जियां और ये ना लाल गाजरें जो है ना वो अवेलेबल थी बहुत मजे की लगती है देखने में लुक की बहुत अच्छी लगती है ऑरेंज गाजर जो होती है ना उसमें वो मजा नहीं है ये चिकन पेपरोनी और टर्की जो है ना वो हम लोग लेके आए थे स्मोक टर्की तो इससे भी मैंने कुछ ना बनाना था इनशाला नेक्स्ट वीलोग में आप लोगों को नजर आएगा तो बस प्याज की टोकरी जो है ना उसको भी मैंने फिल कर लिया बाकी चीजें भी बस मैं रखती जा रही थी और टाइम हो रहा था जुमे का हस्बैंड रुहान को लेके चले जाते हैं ना तो फिर मेरे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है काम करना क्योंकि वो फिर वरना साथ साथ आके तंग करता रहता है तो ये जो मैरिनेशन मैं करके गई हुई थी ना इसमें क्रीम भी डलनी थी घर में नहीं थी उस टाइम तो फिर जब मैं ले आई वहां से नेस्टो से तो फिर आके मैंने डाली अच्छा वैसे भी ना इसमें क्रीम जो है वो थोड़ी देर बाद में ही डलती है क्योंकि इसमें हमने योगर्ट डाला हुआ होता है ना तो क्रीम जब साथ में योगर्ट के डालेंगे ना तो उसका फिर फ्लेवर खराब हो सकता है तो इसलिए ये ना फिर कुछ एक दो घंटे के बाद ही डालनी होती है इस रेसिपी में तो बस वो फिर मैंने डाल दी इसके अंदर और उसको ना मिक्सअप कर लिया नहा के अलहमदुल्ला नमाज वगैरह से भी फारिग हो गए थे भाई भी आगे हुए थे मैंने उन्हें पूछा खाने का तो वो कह रहे नहीं अभी नहीं मैंने खाना थोड़ा लेट ही खाएंगे तो फिर मैंने कहा चलो स्वीट कॉर्न पड़े हैं तो वो हम लोग ना कर लेते हैं थोड़े से यहाँ पे भून लेते हैं हम लोग पहले जितनी बार भी लेके आते हैं ना ये स्वीट कॉर्न इनको बॉयल ही करते हैं तो इस बार मैंने सोचा कि इस तरह से ना चूल्हे पे इनको भून के देखती हूँ कैसे लगते हैं हम लोग जब छोटे होते थे ना तो वो पेचकस होता है ना वो इसके अंदर ऐसे डाल के ना स्वीट कॉर्न के अंदर तो हमारी अम्मी हमें ऐसे बना के दिया करती थी भी बना के देते होते थे तो काफी ये ना मजे के लगते हैं बॉइल की हुई छली का अपना एक मजा होता है और इसका एक अपना ही टेस्ट होता है अगर कोयले पे बनी हुई हो तो और भी मजे का लगता है तो यहां पे मैं ना कर रही थी डिनर की तैयारी तो ये जो पैन है ना ग्रिलिंग पैन इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है तो अभी ये जो सारे पीसीस है ना चिकन के इनको वन बाय वन इसके ऊपर रख के तो इसका ना हमें जस्ट टेस्ट जो है ना उसको लॉक करना है इसके अंदर इसको हल्की आंच पे नहीं करना मतलब तेज आंच पे ही रखेंगे ताकि इसके ऊपर ना अच्छे से मार्क्स आ जाए तो यहां पे ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही थी साथ मैंने ना बड़े बड़े साइज के चार टमाटर लिए हैं इनको ना बड़ा बड़ा ही मैं काट रही हूँ क्योंकि मैं इसको चॉपर में करने वाली हूं साथ में मैंने तीन चार सब्ज मिर्चे ले ली है थोड़ी सी स्पाइसीनेस हमने मैरिनेशन में ऐड की हुई है और कुछ मैरिनेशन जो है ना वो हम नेक्स्ट इसकी ना ग्रेवी बनाने में ऐड करेंगे ये देखिए इस तरह से ना मार्क्स आने चाहिए इसके ऊपर अच्छा अगर ग्रिलिंग पैन आपके पास ना हो तो कोई इशू नहीं है आप इसको जब मतलब गोश्त वगैरह हम ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ना उस टाइम पे आप इसको ना कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं तो बस ये जो रेडी हो चुके हुए हैं इनको मैं निकाल लूंगी यहाँ से तो उठा दूंगी और जो नेक्स्ट बैच है ना वो करने के लिए डाल दूंगी यहाँ पे बस यहाँ पे साथ ही ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहती हूँ वो तो हो गया था चिकन तो अभी ना मैं ग्रेवी बना लूंगी यहाँ पे मैंने ना ऑयल लिया और उसमें मैंने टू टेबल स्पून डाल दिया है बटर ये ना थोड़ी ऐसे डिफरेंट तरह की रेसिपी है क्रीमी सा और थोड़ा ना अच्छा मजे का टेस्ट बनता है इस तरह से आपने कोई चीज इसमें स्कीप नहीं करनी होती ऑयल थोड़ा डाला है और साथ में ना उतना ही मैंने बटर ऐड किया है इसके अंदर तो जब ना इसको अच्छी तरह से जब ये मेल्ट हो जाएगा बटर तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चॉप किया हुआ गार्लिक वो डाल कर डालने के बाद ना इसको हम अच्छी तरह से भूल लेंगे जब इसकी अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी ना मतलब इसको हमने ब्लैक नहीं करना जिस तरह से दाल के तड़के में ऐड करते हैं थोड़ा सा बस खुशबू आने तक इसको ना भूलना हमने तो नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो अदरक का होता है ना पेस्ट बना के मैंने ऐसे फ्रीजर में रखा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया अगर फ्रेश वाला ले ना तो सही उसका ज्यादा फ्लेवर जो है ना वो अच्छा होता है मतलब कूट के न फ्रेश भी डाला जा सकता है अभी मैंने ना नमक डाल दिया इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे मजीद सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दी मैंने और नेक्स्ट इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूंगी वही जो आम हम लोग ना खाने में मसाले यूज करते हैं जीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया और अब ना इस मसाले को इस ऑयल और बटर वाले ना मिक्सचर में अच्छी तरह से भून लेंगे जब इसकी फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर हम नेक्स्ट इसका ना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्पाइसेस मैंने डाले थे ना वो अच्छी तरह से भुन चुके हुए हैं और अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी तो अभी मैं ना इसमें ये चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दूंगी इसको भी थोड़ा सा ऐसे हिला जला लेंगे ये ना काफी पानी छोड़ेंगे मतलब थोड़ा ना हो जाएगा नरम सा हो जाएगा मसाला तो साथ ही ना मैं इसके अंदर एड कर दूंगी ये जो हमने ग्रिल करके चिकन रखा हुआ था वो एड कर देंगे अच्छा चिकन जो है ना वो हमने पकाया नहीं था जस्ट उसका टेस्ट जो है ना ऊपर से लॉक किया था हमने तो अभी जब टमाटर पानी छोड़ेंगे ना तो उतने में ही चिकन जो है ना वो भी टेंडर हो जाएगा और जो ऐसे मैश किए हुए टमाटर थे ना हमारे उसकी भी ग्रेवी जो है ना वो थिक सी हो जाएगी जिस बॉल में मैंने इसकी मैरिनेशन करके रखी हुई थी ना उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके तो वो इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि उसमें भी सारे मसालों की ना ऐसे होती है मतलब टेस्ट होता है ये देखें अच्छी तरह से चिकन भून चुका हुआ है और वो जो मैंने टमाटर डाले थे वो भी ऐसे ड्राई हो गए हैं तो इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं लेकिन जिन घरों में ज्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है तो वो फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके ना थोड़ी ग्रेवी को बढ़ा लें लेकिन चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है हमने ग्रेवी के अंदर ना तो अभी मैंने भी फिर रिक्वायर्ड पानी ऐड कर दिया इसके अंदर क्योंकि इसको ना मैंने सर्व करना था नान के साथ बस अभी ना लास्ट सीजनिंग इसके अंदर रह गई है वो मैं इसमें ना धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी आप चाहे तो अगर डालते हैं तो गर्म मसाला भी पिसा हुआ डाल सकते हैं मैं नहीं डालती मुझे वो ना थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है तो अभी बस नेक्स्ट लास्ट इंग्रेडिएंट है इसका इसमें ना थोड़ी सी और क्रीम जाएगी कुकिंग क्रीम मैंने ऐड किया इसके अंदर तो आप अप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मैंने ना थ्री से फोर टेबल स्पून एड की है तो बस इसको भी बाद में अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे जब तक इसका ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक इसको ना बिल्कुल हल्की आंच पे ना सिमर होने के लिए रख देंगे हम और यहाँ पे मेरी डिश जो है ना वो रेडी हो चुकी है सर्व करने का टाइम आ गया और यही सबसे ज्यादा टेम्पटिंग और मजे का होता है जब आपकी मेहनत जो है ना वो उसको सिला मिल जाता है जब चीज जो है ना वो अच्छी कुक हो जाती है देखे ग्रेवी चेक करें इसकी कितनी स्मूथ सी और क्रीमी सी नजर आ रही है और चिकन जो है ना वो भी बहुत जबरदस्त बन गया है तो अच्छा इसके ऊपर जो जो हमने मार्क डाले थे ना उसकी वजह से इसका टेस्ट जो वो और इनहांस होके आएगा और इससे इस तरह से लगेगा जिस तरह से ना तिक्का की हम लोगों ने ना ग्रेवी वाला सालन बनाया है या तिक्का की कोई डिश ऐड की है अभी लास्ट में इसके ऊपर ना गार्निशिंग कर दूंगी थोड़े से धनिए के साथ तो बस खाना वगैरह खाया हमने उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट इंजॉय कर रहे थे मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती चलू ये ना एक कोई खास किस्म के नट्स मिलते हैं बाजार से और साथ में ना उसके इस तरह से की भी मिलती है उसको खोलने के लिए पैकेट लेना तो उसके साथ ही उन्होंने ये वाली भी दी होती है नाम नहीं मुझे इसका पता कि क्या इसको कहते हैं लेकिन ये इतने मजे के होते हैं ना ऐसे लगता है जैसे स्वीट टाइप इनका टेस्ट होता है जैसे कोई हम कैंडी खा रहे हैं तो सुबहान्ला अल्लाह तला ने कैसी कैसी नेम तो हमें दी हुई है कुछ के तो हमें नाम भी नहीं आते और कुछ तो हम लोगों ने ट्राई भी नहीं की होती हम लोग भी ये ना फर्स्ट टाइम ही लेके आई थी बहुत मजे के थे ये चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में इनशाला होपफुली आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा मिलता द नेक्स्ट टाइम अल्लाह केयर बाय बाय वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा